अंदर मतलब सभी मुझे जानते थे और मतलब इतने सब स्वीट थे ना, और सब यही बोल रहे थे कि बुहारी आइए बुहारी आइए यार। ये दिखाओ, मुझे पता था तुम कोई काम तरीके से कर सकती हो, दिखाओ। रोटी पकाते भी आई, शर्म कर लो थोड़ी सी। हाँ, कुछ याद आया। एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, कैसे बैठे आगे में 4 दिन बाद फाइनली। मेरा वेट तो करोगे ना आप लोग। ओके, तो हम लोग आज बनाने लगे हैं अपना रमदान कॉर्नर। मैं बिजी थी, मुझे ये बहुत पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ कामों से बिजी थी। आप में से कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। मैं जो है बिजी थी आयुष की वो मैकबुक प्रो जो भी थी वो लेने में। अगर आपने आयुष का ब्लॉग नहीं देखा है तो ये रहा, ये देख लीजिए आप लोग। तो इसको लेने में एंड देन इसको डिलीवर करने में मैं बिजी वगैरह थी। सो यप, रिंग नहीं पहनी ना। हो अभी सब अपना सीना पीटेंगे, अल्लाह रिंग नहीं पहनी, हम पहन कर आई। एनीवेज, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ कि मैं बिजी थी। तो अब हम अपना जो है रमदान कॉर्नर बनाने लगे। तो क्या बोल रही थी, मेरे दिमाग में कुछ है कि मुझे क्या बनाना है, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट है। लाइक पता नहीं क्यों मैं सिंपल, मतलब एक रास्ता होता है सिंपल और एक रास्ता होता है कठिन, ठीक है। मैं जान के वो रास्ता चूज करती हूँ। फॉर व्हाट? मैं एक नॉर्मल सा भी रमदान कॉर्नर बना सकती हूँ राइट, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कुछ निकाला है, हम ये बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी बहन बहुत क्रिएटिव है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस आई एम नॉट दैट मच क्रिएटिव। आई कैन ड्रॉ, आई कैन यू नो पेंट, बट सो यप, हम जा रहे हैं अभी बाहर सारी चीजें लेने के लिए। देखते हैं क्या क्या है। कार्डबोर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, कटर की जरूरत पड़ेगी, मार्कर की शायद जरूरत पड़ेगी। सो जो भी होगा सब दिखाएंगे आपको, ताकि अगर आप लोग भी बनाना चाहो तो आप लोग बना लो। बिकॉज अगर किसी को एतिकाफ में बैठना है तो ये बहुत अच्छा लगेगा, मतलब एक कॉर्नर में एंड देन आप एतिकाफ में बैठ सकते हो। सो इट्स अप टू यू, रमदान कॉर्नर में एतिकाफ के लिए भी नो प्रॉब्लम। सो गाइस लेट्स गो, दिस इज व्हाट वी हैव टू मेक। देखो, और अगर हम इसको, मतलब ये कार्डबोर्ड का नहीं है, ये तो पता नहीं किस चीज का बना हुआ है, लेकिन ये है 220 दिरहम्स। लाइक हमें ना कुछ इस तरीके का बनाना है। सो ये है, तो ये तो प्यारी लग रही है, लेकिन ये तो है हमारे घर में मोस्टली। ये वाला चांद भी बहुत प्यारा लग रहा है, बट ये बहुत बड़ा है। देखते हैं पहले कार्डबोर्ड, देखते हैं ना मोम, कार्डबोर्ड देखते हैं पहले। चांद भी प्यारे हैं इधर, लेकिन पहले हम लोग कार्डबोर्ड वगैरह देखते हैं। कहाँ पिंक है, हमें ना वो कार्डबोर्ड मिल जाए। और चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन जो मुझे चाहिए अब वो मिलना चाहिए ना, मतलब देखते हैं। अभी हम आगे आगे जा रहे हैं, इधर काफ़ी चीज़ें होती हैं, इधर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो डेकोरेशन के सामान की चीज़ें तो आराम से मिल जाएंगी, लेकिन कार्डबोर्ड मिलना इज द मेन थिंग। अल्लाह करे कार्डबोर्ड मिल जाए। क्या लगता है मॉम, मिल जाएगा? मिल जाएगा इंशाल्लाह। पहले तो मेरा बिल्कुल ही दिल टूट गया था, वो बोलता है ही नहीं यहाँ पर, तो होता ही नहीं है। तो फिर मैंने चेक किया इधर स्टेशनरी वाली में, तो ये छोटा वाला मिला है। ये देखो, ये रहा बोर्ड शीट, और ये ऊपर जो है ना बड़े पड़े हुए हैं। तो अभी मैंने उनसे बुला कर दूँगा। ये लीजिए मामा, ये है ना, हाँ इससे बन जाएगा चांद। हाँ ये दिखाएं, वाइट कलर में है, वाइट में नहीं है, ब्लैक ब्राउन में है, ग्रीन में रेड दिखाइएगा। ये भी अच्छा लगता है। हाँ ये मम्मी, वो भी हो जाएगा, फोल्ड भी हो जाएगा आराम से। दिखाइएगा प्लीज़, वो जो चांद के लिए दिखाया था दिखाइएगा इसे बना। हाँ इस पर कटर से कट भी जाएगा ना, ये आराम से कटेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा साइज नहीं हो जाएगा। पहले कार्डबोर्ड देखो कितने साइज कैसे। अच्छा इधर इससे भी चांद कट सकता है? नहीं नहीं नीचे रखे ना, मैं राउंड वाला ही चाहिए। हाँ, ये है साइज। वाइट नहीं है? वाइट नहीं है, कवरिंग करनी पड़ेगी। ये ना ये और देखो कोई कवरिंग नहीं, ये चमकेगा ना। वाइट में नहीं, ये मामा मुझे लगता है ब्राउन ही अच्छा लगेगा रेड से। तो ब्राउन तो ऐसा लगेगा जैसे आप गत्ता लगा रहे हैं। ओके फिर रेड रेड या ऑरेंज, रेड रेड लेते हैं, रेड रेड रेड। सिर्फ दो थी, ठीक है, इसकी एक की गुंबद बनेगी और बाकी हम देखेंगे। तो हमने ये छोटे वाले, ये वाला लिया बिकॉज ऑरेंज कलर अच्छा नहीं था, और मम्मी ब्राउन पे बोली थी ब्राउन अच्छा नहीं है।
मामा ये वाला इसमें से ले लें। ड्रॉ करने के लिए हम पेंसिल ले रहे हैं, मार्कर नहीं, बिकॉज मार्कर इतना कुछ वो नहीं होता। तो ये आ गया, अब हम जो है गन का वेट कर रहे हैं। गन बड़ी होनी चाहिए ताकि ग्लू जल्दी खत्म नहीं हो। मम्मी मैं वही इरेजर भी चाहिए। इरेजर भी? हाँ कुछ इरेजर इसके पीछे लगा हुआ है, है? इसके पीछे इरेजर रखा हुआ लगा हुआ है। कटर ना वो हैंडी वाला लीजिएगा मॉम, ताकि हम अच्छे से करें, क्योंकि हमें इतना पता नहीं है। हाँ वो लेने के लिए गए ना, सारी चीज़ें ले ली हैं। ठीक है अब हम पिलोज ले रहे हैं। मुझे ये वाली पिलो अच्छी लगी, क्योंकि आई थिंक क्योंकि हम उसको कारपेट पे जो है ना ब्लू लगाएंगे, वो ब्लू नहीं सॉरी रेड लगाएंगे, तो इसके साथ ये बहुत अच्छा जा रहा है। ये दो लेना मम्मी, मम्मी दो दो। इसके तो नहीं सेम है, हाँ सेम ही है अंदर। और मैंने ये लाइट्स भी ली हैं, ये दिखाना मैं भूल गई, घर जाके अच्छे से दिखाऊंगी आप सबको कि मैंने क्या क्या लिया है। ये भी लाइट्स ली हैं, ये चीज़ें ले ली हैं। अब घर जाके मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी, ठीक है? अभी हम पानी ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह सही से पहले पहले हो जाएगा, है ना मम? सही से पहले पहले हो जाएगा, कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो सुबह तक करते रहेंगे, कोई बात नहीं हो जाएगा, लेकिन आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा। चलो गाइस अब चलते हैं घर, और घर जाके आपको एक चीज़ दिखाती हूं। गाइस ये मैं इसको साफ कर लेती हूं, शॉपिंग हो गई है। और ना अंदर मतलब सभी मुझे जानते थे, और मतलब इतने सब स्वीट थे ना, और सब यही बोल रहे थे कि बुहरी आइए बुहरी आइए। यार कसम से इतना प्यार मिलता है ना मुझे, मेरा दिल चाहता है कि बस मैं खा जाऊँ सबको, ऐसे दिल करता है मेरा। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और इज्जत देने के लिए। अंदर जो जो थे जो मुझसे नहीं मिल पाए, अगर आप देख रहे हो तो लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, और जो मिले उनको भी। अभी घर जाएंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। सो गाइस हम लोग घर आ गए, और हमने ये दो हाँ क्या बोलते हैं सेम क्या बोल रहे थे यार हम तो भूल गए इसको, बोर्ड बोर्ड शीट्स लिए हैं, ठीक है? ये हम लोगों ने रेड रेड कलर की लिए, ये तीन हमें लेनी थी लेकिन नहीं थी। और जो हमने चीज़ें ली हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हम इससे जो है, क्योंकि ये चमक रहा है, इफ़ यू कैन सी, इससे हम जो है चांद बनाएंगे क्रिसेंट और मस्जिद की गुंबद पे लगाने के लिए। यू ऑल नो गुंबद क्या होती है, राइट? जिसको नहीं पता है वो गूगल कर ले। ये रूलर, ताकि हम यू नो सिमेट्रिकल कर सकें। हमें नहीं पता था कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो लाइट्स वगैरह है, उसमें पेंसिल सेल्स लगेंगे या दूसरा ही लगेंगे, तो हम दोनों सेल्स लेकर आए, ठीक है, ताकि हमें दूसरी जगह पे भागना न पड़े। उसके बाद व्हाट वी हैव लाइट्स, ये कैंडल लाइट्स, ठीक है, छोटी वाली भी थी लेकिन ये वाली मैंने ली बिकॉज ये मेरे थीम के साथ अच्छे से जाएंगी। देन ये हमने ले लिया, ये हमारे पास ऑलरेडी है लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। ये वो है लैंटर्न्स है, इससे होती है, उसकी प्लग की जरूरत नहीं है, बैटरीज लगेंगी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी से ये जो है ना सारा जुड़ेगा मुड़ेगा ग्लू। और ये स्टिकर्स हैं, ये हम जो है साइड्स पे लगाएंगे स्टिकर्स, ये बहुत मुश्किल से मिले। ये मैंने इस तरीके से लिए कि ये इस पे जो है ना वाजे होंगे, दिखेंगे। ये स्टिकर नहीं है, लकड़ी के बने हुए। मॉम ये स्टिकर्स हैं? स्टिकर नहीं है, स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स हैं, ये स्टिकर्स हैं। और इसको ऐसे करके खोलेंगे, वुड के हैं लेकिन स्टिकर्स हैं। देन मैंने ये अपने लिए नेल्स लिए थे, अच्छे लगे थे तो मैंने लिए। उसके बाद ये ग्लू, ये भी मैंने दो लिए, ये गन के साथ आती है, ये ग्लू हो गई। उसके बाद पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमने जो है ये एक्स्ट्रा लिए कि यू नो जब इस तरीके की मस्जिद है तो ये साइड पे इस तरीके से बंद होना चाहिए ना, तो हम लोगों ने ये साइड पे इसको वो करने के लिए लिया है। तो ये कर लेंगे जैसे भी होगा, भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। बखूर लिया है मैंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कटर्स मैंने तीन चार लिए ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा हो। दूसरा वाला नहीं लिया, वो जो बड़ा वाला होता है उससे मुश्किल होती है। ये मैंने ये लिए अंदर रखने के लिए। और क्या है इसमें, क्या था कमो, ये तो घर का सामान है, ठीक है गाइस। तो अब हम ये चीज जो है ना लेकर जाएंगे डाइनिंग में। अभी जो हमें चीज की जरूरत है वो सबसे पहले जो है इनकी है, पेंसिल की है और कटर की है, बिकॉज पहले मुझे ड्रॉ करनी है गुंबद के किस तरीके से चाहिए, एंड देन कटिंग वटिंग मम्मा मेरी हेल्प करेंगी, जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। ओके मैं करती हूँ, मम्मी ला दो। ओके गाइस तो हम लोग इधर आ गए, ठीक है, एज यू ऑल
वर सीन के मम्मी घिस 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 को गई थी, तो मम्मा का ये कंसेंट था कि अगर हम खाना खाते तो कोई ऑयली चीजें होनी चाहिए, और ये हम इधर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पूरे घर में जो है ना कारपीट्स लगे हुए, तो वहां पे कार्टन पीटी अच्छे से नहीं होगी, तो इधर अच्छे से हो जाएगी और ये ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और मेरा फोन उधर पड़ा हुआ है, हम लोगों ने जो है गुम्बद का डिजाइन वगैरह भी देख लिया कैसे करना है, बस इसका सूखने का वेट करना है, देन वी विल गेट स्टार्टेड। कैसा था आज उसे ड्रॉ किया? So guys, अब हम गुंबद जो है ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो मस्जिद का वो आएगा वो ड्रॉ कर रही हूँ मैं किस तरीके से। देखो मॉम इस तरीके से चाहिए, बस देखो कि ये गोल जाना है वो होने चाहिए, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको मैं बोल रही हूँ इस तरीके से करते हुए लाएंगे। ओके समझी? या फिर और चौड़ा करूँ? नहीं ना, फिर ये चीज बहुत कम हो जाएगी अगर यहाँ, है ना, इतना ठीक है ना। हाँ इसको भी फिर इतना ही नहीं, यहाँ से स्केल का नाप लो, ऐसे नीचे आई में गोल निशान लगा, फिर उसके बाद डालोगी ना, पहले सब ठीक है ऐसे गया। और ये जो आ रही है इसको फाइन करो, बिल्कुल समझ आ रहा, एक सेकेंड रखो। क्या यस उसको ऐसे ताकि जब हम कटिंग करें तो कोई कंफ्यूज नहीं होगी। ओके सो गाइस ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब हम इसको जो है कट आउट करेंगे, ये इस तरफ से कट आउट होगा, ये सिर्फ ये चीज रहेगी, फिर हम इसको डेकोरेट करने की भी कोशिश करेंगे। ये इस तरीके से नहीं आएगा, ये हमें इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, डोंट वरी, लेकिन अभी वेट करते हैं। सो गाइस मॉम यहाँ से करिए, मैं यहाँ से कटती हूँ, आपको पता है ना कैसे करना है मॉम, इस चीज को इधर से कुछ भी नहीं करना है, बस इधर से कट करना है। ओके गाइस तो अब हम जो है मैं ये वाला सेट करूंगी, मॉम ये वाला सेट करेंगे, आ जाओ मॉम। क्या भाई गाइस ये बहुत मतलब मुश्किल है, आप लोगों को लगेगा इजी लेकिन इजी नहीं, अगर आप लोग ये बना रहे हो ना अपने घर में तो सबर तामल से। सो गाइस ये वाला पार्ट बहुत ही मुश्किल था, हम लोगों ने बहुत आराम से फिगर आउट किया कि इसको किस तरीके से करना है। मॉम बोलती है तुमने तो खराब कर दिया, तो मैंने मम्मी को बताया कि मॉम ये वाला पार्ट निकलेगा, लिटरली ये वाला पार्ट निकलेगा, तो डोंट वरी। मम्मा बार बार वो हो रही है कि खराब हो गया है, खराब नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक थोड़ा सा रहेगा। देखो मॉम कितना क्लीन आया माशाल्लाह। गाइस ये सिर्फ अभी अंदर का है, अभी हमने ये वाली चीज को कट करना है। सो गाइस ये बहुत मुश्किल है यार, डर ही लग रहा है कसम से, बस ये वाला पार्ट रह गया, समझ नहीं आ रहा कैसे करे बंदा, बस ये वाला पार्ट रह गया गाइस। इस तरफ से दिखता नहीं, इस तरफ से दिखता है। बिस्मिल्लाह। ओके थोड़ा सा वो होगा लेकिन मॉम आपकी जरूरत पड़ेगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस ये देखो इस तरीके से लग रहा है, अब बस इसको थोड़ी सी देर से फिनिशिंग करनी है, ठीक है, प्यारी लगी ना मम्मी।
अभी से इतनी प्यारी लग रही है, जब इसमें वो आएंगे तो और अच्छी लगेगी। तो ये मेन चीज थी, ये हो गई है। हमने सोचा है कि हम इसको भी यूटिलाइज करेंगे, इसको हम बीच में से कट करके इसकी मतलब पीछे से वो गुंबद वगैरह निकाल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी लगेगी। कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा पार्ट है, सो हम इसको भी यूटिलाइज करेंगे। ओके गाइस, तो अब हमने क्या सोचा है कि हमने ऐसी ये बना ली थी, इसको वेस्ट करने से अच्छा है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर हम इसको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, बिस्मिल्ला, मतलब मैं इसको इस तरीके से लगाना चाह रही हूँ और ये इतना प्यारा लगेगा यहाँ पर, तो मैं ऐसा ही सेम इससे जो है इसे कट करूंगी और फिर यहाँ पर जो है ना वो स्टार्स और मून्स के जो हम लेकर आए वो बनाएंगे। लेकिन ये मुझे यहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा है बिकॉज ये ऑलरेडी मतलब गुंबद की तरह है, तो हम इस अब ऐसा कट करते हैं एंड देन। और जबकि मम्मा के सब बताना चाह रही है, मम्मा चाह रही है बाहर को आए, मॉम ऐसे चाह रही है, नहीं ऐसे, हाँ मैं ऐसे चाह रही हूँ, मॉम ऐसे चाह रही है जी और मैं ऐसे चाह रही हूँ, तो होगा वही जो आप चाहेंगे। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये फिर खड़ा नहीं होगा, बताए। चलो ठीक है, देखते हैं देखते हैं गाइस, देखते हैं पहले कटिंग कर लो, कटिंग करते हैं फिर देखते हैं कि दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा। आजा ये देखो, यू डिड दैट, यस, ओह माय गॉड, यार तुम सच में कुछ हो, और आई मीन इंटेलिजेंट और मतलब यू नो। इसके देखो मेरे हाथ इतना मुश्किल है ना इसको, मतलब इट सीम्स इजी लेकिन मुश्किल है यार, बस हो गया, थोड़ा सा रहता है सबसे, इतनी मैं मेहनत करती हूँ ना, मतलब मुझे ना कुछ अलग करना था, कोई मतलब नहीं करना था जो सब कर रहे हैं, मुझे थोड़ा डिफरेंट करना था, थोड़ी मेहनत करनी थी। मैं आपको बोलती हूँ ना, जब तक मैं मतलब किसी चीज में मेहनत नहीं करती ना, जैसे कि अगर मेरा ब्लॉग भी मेहनत वाला नहीं होता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ मतलब मैं फेयर नहीं हूँ, मतलब मैंने मेहनत ही नहीं की, तो फिर किस चीज के लाइक्स और व्यूज, तो इस तरीके से। लेकिन अभी मेरी तो मेहनत है, ओके डन, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, इसको हम क्लीन कर लेते हैं वैसे। लूट लिया हमें, मुझे लगा था सब ये होंगे। हाँ मैंने उसको कहा भी था व्हाइट बना लो, व्हाइट मून व्हाइट ही होता है, क्योंकि हम स्टार्स भी ये वाले यूज कर रहे हैं, तो ये इस पे कंबाइन होके अच्छा लगेगा ना मोम। ठीक है, सो गाइस हम इसका मून बनाते हैं। सही, मनी गन बोल रही हूँ, अब्दुल्ला सिंह राव, हाँ हाँ मम्मा तुम मेरी कॉटिंग देखो, रमजान जी, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये मैं किसको क्या बोलते हैं, कौन सी गन बोलते हैं,
हॉट ग्लू गन लेकर आई हूँ मैं। तो ये हम जो है इससे पहले अब जो है डेकोरेशन करेंगे, उसके बाद हम वो जो पीसेस है उसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमने ये तारे और चांद लगाना है। सो ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता प्लस कैसे यूज करते हैं। मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं था। तो ये अच्छी होती है बस इसके अंदर ना ये देखो ज्यादा थोड़ी थोड़ी डालना और अपना हाथ संभाल के गर्म होती है। मामले भी यही बोला और टिप के ऊपर आधे रखना, जो मेटल की है ना उसके ऊपर आधे रखना, नाफा थोड़ा जलेगा। This is the glue. ये एक ही दाल है। बहुत एक है। हाँ एक ही दाल। इसके अंदर? हाँ। हाँ बस डाल के छोड़ दो, वो खुद अंदर से घुलती रहेगी। नहीं तो सुराही। छोटा है? हाँ। Guys इसकी actual glue इतनी छोटी होती है, लेकिन मैं बड़ी लेकर आ गई, अब क्या करेंगे इसका अब्दुल्ला से? इसको देखो, इसको अगर हम बीच में से काट के भी डाल सकते हैं ना, नहीं कर सकते कि तो इसकी देखो जगह इतनी सी है। अच्छा ये ऐसे खुद ही होती है? जी। बस अभी गर्म होके निकलेगी खुद बेटा। माय गॉड अब क्या होगा, ये इनफ होगी? कितने बनाने आपने? दो? नहीं नहीं, हमें सब सब चिपकाने हैं। चिपकाना है हम लोगों ने अब सारी चीजें। क्या कितना कितना ये? 1, 2, 3, 4, 5 ऑल द स्टार्स। ठीक है मॉम, स्टार्स और भी है ना? आपने दोनों खोल लिए थे क्या? दोनों खोल लिए। दोनों खोल लिए थे? नहीं दोनों नहीं खोले होंगे। दोनों दोनों खोले। फिर ये स्टार्स हैं। ओके वो चांद है। ठीक है वो चांद है। और ये भी है? ये स्टार है। ये भी नहीं, ये मून काटा है ना, ये आराम से हो जाएगा वो पक्का। हां ओके बिस्मिल्लाह गाइस लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। और अगर इसे ना हो तो वो देखो वो भी ग्लू है हमारे पास। पहले हम ग्लू वो करते हैं, हमने ये किस तरीके से एक इधर हाथ उससे दूर रखना। जी अम्मी। गाइस आई एम सो एक्साइटेड और ये बहुत गरम वहां से बोल के गया था गरम है। मॉम इसकी वो निकल। सो गाइस अब हम ये लगा रहे हैं। ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉम ऐसे ना? जी इतना ऊपर ना? जी चिपक जाए बस। और मॉम का तो अभी तक वो निकला ही नहीं है यार। हो गया देखो माशाल्लाह। एक्चुअली मेरे हाथ इतने थक गए ना उफला। अब मैंने एक खिड़की बनाई है, देख खिड़की लग नहीं रही है। बनाई है ये देखो ये मॉम को, ये हम जुगाड़ कर रहे हैं क्योंकि हम जो है गलत गम उठा के लेकर आ गए। हम नहीं लेकर आए, हमने 10 बार उससे पूछा। हाँ झूठा, इसलिए मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करती, पहले मैं देखती हूँ। अरे यार कसम से मैं दिल चाह रहा मैं यहीं लेट जाऊँ। उई और इसमें बेगम को देखो क्या कह रहे हैं पापा की परी पर सर पे तो मरे पड़ेंगे। पहले नहीं पापा को बुला लेती हूँ। सो गाइस हम पहले इसको इस पे खिड़कियां नहीं लगाएंगे, पहले हम इस पे ये लगाएंगे क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ जब इसके अंदर जाएगा इस तरीके से तभी हमें पता चलेगा कि इधर कितनी स्पेस बची है, तो फिर खिड़कियां जो है ना ठीक से हम लगा सकते हैं। अदरवाइज कहीं हम खिड़कियां इधर लगाएं तो कैसे वो अंदर चला जाएगा ना। तो पहले हम इसको इससे स्टिक कर लेते हैं फिर करते हैं। तो गाइस ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है अब हमने जो है इसको अटैच करना है। तो ये वाला जो पार्ट जिस पे हम लोगों ने ये पेंसिल लगाई है इस पे ग्लू लगेगी और हमें ग्लू बिल्कुल जो है ना पानी निकलती वैसे चाहिए। ये पहले बड़े ड्रामे किए इसने। अरे यार बस इधर रखना मोम। हाँ अच्छे से लगाओ, नीचे कॉर्नर पे अच्छे से लगाओ। सो गाइस नाउ एक साथ उठाना। नाउ द मोमेंट ऑफ द ट्रुथ, ट्रुथ ऑफ द मोमेंट जो भी होता है बिस्मिल्लाह मारे लिए मतलब बहुत मेहनत लगी है। हाँ सर बिस्मिल्लाह एक साथ बिस्मिल्लाह। आप नहीं लगा कहाँ से लगा? कहाँ से लगा? अरे चलो ठीक है नीचे। देखो व्हाइट नजर आ रहा है? नहीं
इस ये वाला कॉर्नर है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, इधर से मैंने सारी चीज़ें हटा दी हैं, तो अब हम इधर ये चीज़ रखेंगे, ये मैं लेकर आ गई थी, तो अब हम इधर रखते हैं। थक गई यार, कसम से थक गई। मेरा व्लॉग कल इसलिए नहीं आया था क्योंकि देखो अभी टाइम क्या आ रहा है, आप लोगों को दिखा देती हूँ, मेरा दूसरा वाला फ़ोन किधर है, देखो ये करते करते ही 6:11 हो गए इसकी वजह से। सो गाइस के हम लोगों ने जो है इधर रखा है, अब उस तरफ पिलोज जाएंगी, उस तरफ अगर पिलोज नहीं जाएंगी तो हम लोग उधर जो है वो ये हमारे पास लैंटर्न्स हैं और वो सारा सामान, मम्मी को दिखा दें, वो सारा सामान भी है, तो हम इस पर से अच्छे सब डेकोरेट करके एंड देन तो ये मैंने पीछे लाइट्स लगा दी हैं, ये इस तरीके से इसके अंदर जाएंगी और ये देखो कैसे प्यारी सी लग रही है यार, देखो इसके पीछे जाएंगे। पापा का कवर है, ये मैंने मम्मी से मांगा है इधर रखने के लिए, तो ये मम्मी ने मुझे देंगी। चले मम्मी डालती इसके अंदर प्लीज। कुछ याद आया। सो गाइस मैं यहाँ पर आई हूँ बखूर गर्म करने के लिए, मतलब कोयला जलाने के लिए, मैं रिवील करूँगी अभी आप लोगों को, जस्ट 2 मिनट दे दो मुझे, 2 मिनट। गाइस ये शेफ किस है, ठीक है, एक तरह की, ओए होए अब आप लोगों को रिवील करूँगी, सबर करो, ओए होए। सो गाइज मेरी और मम्मी की 6 घंटे की मेहनत फाइनली मैं आप लोगों को रिवील करने के लिए जा रही हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी माय प्रेयर कॉर्नर फॉर रमदान, तो इन 1, 2, 3 देखो आप लोग। कैसा लग रहा है यार, मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। सो गाइज आओ मम्मी, अच्छा अच्छा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे दीजिए। सो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स देती हूँ, ये पिलोज यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं बैठूंगी, उसके बाद ये बखूर यहाँ पे जलेगा, जानमाज तस्बीह कुरान पाक वहाँ पर है, और ये जो मैंने पूरी डेकोरेशन की है ये किबले का रुख देखकर की है, ये सामने से आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ, वेट देखो आप लोग, ये पूरा इस तरीके का लग रहा है, ठीक है, पूरी जो मेरी वो मस्जिद थी, मैंने खिड़कियाँ भी बनाई हैं साथ साथ, चांद पूरा और सारी चीज़ें, यार मुझे नहीं लग रहा था कि ये मैं बना पाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया मैंने। मुझे बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को। गाइस ये मेरा प्रेइंग कॉर्नर है और मुझे इधर इतना सुकून मिल रहा है बैठकर, लेकिन ये जितना इजी लग रहा है ना उतना ये इजी है नहीं, तो अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों को भी एक प्रेइंग कॉर्नर बनाना चाहिए, बिकॉज अभी इबादत वाली रातें भी आने वाली हैं, बड़ी रातें, सो सब मिलके एक ही जगह पे बैठ के इबादत करो अच्छे से। मैंने पिछले साल सिर्फ लाइटनिंग से डेकोरेशन की थी, अगर वो वीडियो मुझे दिखी तो मैं इधर लिंकअप कर दूंगी, कुछ करूँगी, नहीं मिली तो फिर मैं जो भी आप लोग देख लेना। तो इस बार ही मुझे कुछ क्रिएटिव करना था इसलिए मैंने डिफरेंट कुछ किया, बिकॉज मुझे लिटरली ये चीज़ बनानी थी और मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करनी थी, ताकि मैं जो है आगे जाके अपने बच्चों के लिए भी कर सकूं, बिकॉज ये चीज़ इंकरेज करती है। अब मैं ये चीज़ मेरा कॉर्नर होगा ना तो मैं अपनी नमाजें मिस नहीं करूँगी, आप लोग भी नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। बाकी ओए होए ये चांद देखो, मम्मी जितना इजी लग रहा है ना ये देखने में, इस चांद को काटते काटते ओ माय गॉड, सबसे मुश्किल इसको ये शेप देना था। मम्मी आपने कहा था ना कि ये चीज मत करो, लेकिन इस चीज से ये बहुत प्यारा लग रहा है ना। सो गाइस आप मुझे बताना कैसा लग रहा है ये मेरी मम्मी की 6 घंटे में, इतना चुंडू लग रहा है लेकिन इतना चुंटू है नहीं, नहीं इधर पूरी मैं फिट हो जाऊंगी आराम से, हाइट इसकी देखने में कम लग रही है लेकिन कैमरा करीब करो तो फिर पता चलेगा, नहीं बड़ा है ये, शीट बड़ी है लिटरली, ये मैं इसके अंदर आ जाऊंगी आराम से, मतलब इसके अंदर मैं जाके बैठ सकती हूँ, डर जाऊंगी मैं तो, मैं इसके अंदर जाकर बैठ सकती हूँ आराम से, ये ऐसा है खुद सब खुद व्लॉग में देखना अच्छे से। अरे मुझे लगा ये उसके लिए जो बाहर आप लोग ये उधर ही बैठ के बना रहे थे। हाँ ना ये एक एक चीज हमने खुद बनाई है, ऊपर की वो गुंबद भी देखो अच्छे से सब। पर ये देखो ये थोड़ा अनइवन है ये मम्मी ने चिपकाने में थोड़ा वो कर दिया, खत्म हो गई थी सही बात है। गाइस इसी की वजह से मेरा कल व्लॉग नहीं आया था, बिकॉज ये करते करते ही आप लोग देख सकते हैं कि सुबह हो गई है, मामा भी मेरे साथ इधर बेचारी रोजे में मतलब ख्वार हो रहे हैं आप लोग, लेकिन यस ये करना बहुत ज़रूरी था। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के कैसा है,
और अगर आप लोग भी बना रहे हो सो अगर कुछ भी आप लोगों को पूछना है मुझसे आप लोग पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैंने जो जो चीज़ें ली मैं आप लोगों को सब दिखाती थी। ये सिंपल कार्डबोर्ड है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, सो इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट यू हैव टू बी क्रिएटिव, दैट्स इट। ठीक है, सो यप, दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग, लव यू ऑल सो मच, बाय गाइस, बाय, टेक केयर, मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, 7 लाख जल्दी करो यार, जल्दी करो, बाय गाइस, बाय।